अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। चाहे कोई कितना भी मांगे लेकिन शाम के समय घर की ये तीन चीजें भूल से भी किसी को ना देना। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप जान सकते हैं कि आपके घर में वास्तु दोष मौजूद है और कैसे अपने घर में बिना तोड़फोड़ के आप उस वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार शाम के समय अपने घर की ये चीजें भूल से भी किसी को ना दें। ऐसा करने से दरिद्रता आती है। दोस्तों वास्तु दोष का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर घर में बार बार कलेश होता है, धन की कमी रहती है, अचानक कोई नुकसान उठाना पड़ता है, हर वक्त कोई ना कोई बीमार पड़ता है, तो इन सभी के पीछे वास्तु दोष ही कारण होते हैं। अगर इन वास्तु दोष के ऊपर तुरंत कोई उपाय ना किया जाए तो ये और भी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वास्तु से जुड़े कुछ ऐसे उपाय जो आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आते हैं। वास्तु के अनुसार घर की कुछ चीजें ऐसी होती है जो शाम के समय दूसरों को नहीं देनी चाहिए, इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही वास्तु दोष से छुटकारा पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव अवश्य करने चाहिए। कुछ काम बहुत ही साधारण से होते हैं जिन पर हम ध्यान नहीं दे पाते और वो घर में वास्तु दोष निर्माण करते हैं और धीरे धीरे घर के अंदर नकारात्मकता फैलाते हैं। इनसे निकली नकारात्मक ऊर्जा घर के सदस्यों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। हम सभी जानते हैं कि घर के अंदर मौजूद हर वस्तु की उसकी अपनी एक ऊर्जा होती है। अगर उसे उसके सही स्थान पर ना रखा जाए तो वो नकारात्मक ऊर्जा फैलाने लगती है, जिस कारण घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। जैसे कि जल की दिशा, अग्नि की दिशा या फिर घड़ी की दिशा, इन सभी वस्तुओं की एक निर्धारित दिशा और स्थान होता है, जिन्हें सही जगह पर रखने से वो सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। आइए आपको बताते हैं घर में सुख और समृद्धि लाने के लिए कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों पहली बात, कूड़ेदान की सही जगह। दोस्तों हम कूड़ेदान में कई तरह का कचरा डालते रहते हैं। ये घर के अंदर मौजूद सबसे अधिक नकारात्मकता फैलाने वाली चीज है। इसे कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए। अगर हो सके तो इसे घर के बाहर रखें और इसे सदा ढककर ही रखें। साथ ही ध्यान रहे कि कूड़ादान कभी भी घर के मुख्य द्वार के समीप नहीं होना चाहिए। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं, जिस कारण नकारात्मक ऊर्जा सीधे घर के अंदर प्रवेश करती है। ऐसा करने पर आपका पड़ोसियों के साथ मनमुटाव होने लगता है। इसीलिए कूड़ेदान को मुख्य दरवाजे से दूर रखें और समय समय पर कचरे को घर से दूर फेंकाएं। ज्यादा दिनों तक कचरा घर के अंदर रखना अशुभ फल देता है। दूसरी बात, कूड़ेदान में ना डालें ये चीजें। कूड़ेदान में हम कभी कभी कुछ ऐसी चीजें डाल देते हैं जो स्वास्थ्य और सकारात्मकता के दृष्टिकोण से सही नहीं होती। कूड़ेदान में भूल से भी फलों के छिलके ना फेंकें, इसे हमेशा घर के बाहर ही फेंकना चाहिए। साथ ही खराब व गीली चीजें कूड़ेदान में ना डालें, ये बहुत ही ज्यादा नकारात्मकता फैलाते हैं। साथ ही इससे घर में कीड़े होने का भी खतरा बना रहता है। ये घर के अंदर दुर्गंध फैलाते हैं, जिस कारण घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसीलिए इसे घर के बाहर ही फेंकें। ऐसा करने से आपको बिजनेस या फिर नौकरी में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। तीसरी बात, सोने से पहले पानी की बाल्टी भरकर रखें। अगर आप कर्ज से परेशान हैं अथवा धन के आगमन में दिक्कतें आ रही हैं, तो सोने से पहले किचन में बाल्टी भरकर जरूर रखें। ऐसा करने से कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप बाथरूम में बाल्टी भरकर रखेंगे तो उससे सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएंगी। चौथी बात, शाम के समय दूध, दही, प्याज किसी को भी ना दें। दोस्तों सूर्यास्त के समय अगर आपके पड़ोस में रहने वाले लोग दूध, दही या फिर प्याज मांगने आते हैं तो बिल्कुल भी ना दें। ऐसा करने से आपके घर की बरकत समाप्त हो जाएगी। रात के समय दूध और दही देने से आर्थिक परेशानी उत्पन्न होती है और प्याज देने से आने वाले अवसर रुक जाते हैं। पांचवी बात, छत पर अनाज ना धोएं। वास्तु के अनुसार घर की छत पर अनाज या बिस्तर नहीं धोना चाहिए। हालांकि आप इन्हें छत पर सुखा सकते हैं। छत पर अनाज या बिस्तर धोने से ससुराल वालों से संबंध खराब हो जाते हैं और सम्मान में कमी आती है। छठी बात, मिश्री की खीर खाने से घर में बरसेगी लक्ष्मी की कृपा। दोस्तों महीने में एक बार मिश्री डालकर खीर बनानी चाहिए। इस खीर को परिवार के सभी लोगों को जरूर खिला दें। इस बात का ध्यान रखें कि खीर सबसे पहले घर के किसी बुजुर्ग महिला को दें। ऐसा करने से परिवार पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी।
सातवीं बात, गुरुवार के दिन पीली चीज जरूर खाएं। गुरुवार के दिन कोई भी पीली चीज अवश्य खानी चाहिए, वहीं बुधवार के दिन हरी चीज को खाना चाहिए। ऐसा करने से परिवार में सुख शांति और समृद्धि बढ़ेगी। आठवीं बात, झूठे बर्तन ना छोड़ें। रात में कभी भी झूठे बर्तन छोड़कर सोना नहीं चाहिए, ऐसा करने से घर में हानि होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर किसी भी तरह का कोई भी वास्तु दोष नहीं होना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा सबसे पहले मुख्य द्वार से ही घर में प्रवेश करती है। ऐसे में अगर मुख्य द्वार पर किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष है तो उसे फौरन ही ठीक कर लेना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए स्वास्तिक का निशान और भगवान गणेश की प्रतिमा लगानी चाहिए। इसके अलावा इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई गंदगी ना रहे। घर में पूजा स्थान का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके घर में दक्षिण दीवार पर मंदिर बना हुआ है तो ऐसे में आपको धन से संबंधित भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। घर में पूजा स्थान हमेशा ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व में ही बनाएं। घर की उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा माना गया है, इसीलिए तिजोरी को इस तरह से रखें कि अलमारी का दरवाजा उत्तर दिशा की ओर खुले, इससे धन वृद्धि होती है। जिस घर में रसोई और बाथरूम आमने सामने बने होते हैं, ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। इसके कारण घर परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है। ऐसे में अगर आपके घर में भी बाथरूम और रसोई घर आमने सामने बने हुए हैं, तो दोनों के बीच में एक मोटा सा पर्दा लगा देना चाहिए। साथ ही बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद करके रखना चाहिए और जरूरत पड़ने पर ही उसे खोलना चाहिए, इससे वास्तु दोष दूर होता है। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो उस दोष को दूर करने के लिए कुछ तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि मकान की छत पर एक बड़ा गोल शीशा यानी आईना इस तरह से लगाएं कि मकान की संपूर्ण छाया उसमें दिखाई देती रहे, इससे वास्तु दोष में कमी आएगी। आपको भूल कर भी कभी भी घर में टूटे बर्तन या टूटी खाट का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही घर में टूटे बर्तन व टूटी खाट रखनी चाहिए। इसका आपको फायदा तो होता नहीं, उल्टा धन हानि के योग बनते हैं। हमारे घर में सबसे सात्विक जगह होती है रसोई घर। घर की सुख समृद्धि रसोई घर से छलकती है। अगर रसोई घर गलत स्थान पर हो तो अग्नि कोण में बल्ब लगा दें और हर रोज ध्यान से सुबह शाम उस बल्ब को जलाकर जरूर रखें। इससे वास्तु दोष भी दूर होगा और घर में सुख समृद्धि का वास भी होगा। अगर आपने घर में पूजा स्थल बना रखा है तो वहाँ शुद्ध देसी घी का दीपक हर रोज जलाइए। अगर घर में शंख भी रखा हुआ है तो उसकी ध्वनि 3 बार सुबह शाम नियमित रूप से करें। घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। घर के देवालय में देवी देवताओं पर फूलों के हार चढ़ा रखे हैं तो हर दूसरे दिन पुराने हार हटाकर नए हार भगवान को अर्पित करने चाहिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव। जय महाकाल।